बिहार की राजनीति में उथल पुथल जारी है। नया सवाल ये कि क्या महागठबंधन से जा मिलेंगे पशुपति पारस। एनडीए का साथ छोड़ दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और मिलने जा रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। यानी क्या ये मान लिया जाए कि अब पशुपति पारस आरजेडी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि बिहार की 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 पर एलजेपी और बची हुई 2 सीटों में से एक एक पर हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। इस सीट शेयरिंग के ऐलान के साथ ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। पशुपति पारस ने कहा कि मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की, मैंने अंत समय तक इंतजार किया, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसीलिए मैं केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूँ। गौरतलब है कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए में 5 सीटें मिली हैं, वहीं पशुपति की पार्टी को 1 भी सीट नहीं दी गई। इसी वजह से पशुपति पारस नाराज चल रहे थे, इसके बाद उन्होंने अब ये कदम उठाया है। आपको याद दिला दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए थे और दोनों ही खुद को पार्टी का असली उत्तराधिकारी बताते रहे हैं। चिराग पासवान रामविलास के पुत्र होने के नाते उनकी विरासत पर अपना दावा करते रहे हैं, तो वहीं पशुपति पारस का कहना था कि वो ही इस राम के लक्ष्मण हैं, यानी असली उत्तराधिकारी हैं। यही वजह है कि पार्टी 2 गुटों में बट गई थी। इसके बाद आपको बता दें कि चाचा भतीजे के बीच मनमुटाव बरकरार रहा था। हाजीपुर सीट पर दावेदारी को लेकर दोनों के बीच दंगल काफी समय से चल रहा था। दरअसल हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से रामविलास पासवान 9 बार सांसद रह चुके थे। साल 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को रिकॉर्ड 4.25 लाख वोटों से हराया था, जो गिनीज बुक में दर्ज भी है। साल 2019 में भाई के लिए ये सीट छोड़कर वो राज्यसभा चले गए थे, जिसके बाद पशुपति पारस यहाँ से जीतकर सांसद बने। यही वजह है कि हाजीपुर सीट चाचा भतीजे के बीच नाक की लड़ाई बन गई। ये तो साफ था कि दोनों अब साथ नहीं आएंगे, लेकिन पार्टी से टूटकर बने दोनों गुट अभी तक एनडीए का हिस्सा थे और ना चाहकर भी वो साथ चलने पर मजबूर थे। लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस की अनदेखी टिकट के बंटवारे में की गई है, उससे अब इनकी राहें भी अलग हो गई हैं। ऐसे में ये देखना सबसे दिलचस्प होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का कोर वोटर रहा दलित वर्ग आखिर किसको अपना समर्थन देता है। आपको क्या लगता है, किसको जाएगा समर्थन, रामविलास पासवान की पार्टी को या फिर पशुपति पारस को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।